अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंट्री टेस्ट को लेकर के बहुत से बच्चे परेशान हैं, क्योंकि वेबसाइट पे अभी तक मेंशन है कि 11 अक्टूबर को टेस्ट होगा। बच्चे परेशान हैं कि ये एंट्री टेस्ट होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आप देख रहे हैं, pmcgovt.pk। आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 28 सितंबर को ऑफिशियल अकाउंट पर, क्योंकि यहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि बच्चों के माइंड में आ रहा है कि बहुत से फेक अकाउंट बन चुके हैं, तो आपने देखना ऑफिशियल अकाउंट पे जाना है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन विल कंडक्ट ए यूनिफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट थ्रू आउट पाकिस्तान फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। ऑल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम शेड्यूल बाय मेडिकल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग यूएचएस एमडी कैट केएमयू ईटा नम्स एंड एनटीएस स्टैंड कैंसल्ड। यानी आपने माइंड में रखना है कि नम्स एंट्री टेस्ट भी कैंसिल हो चुका है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यह मालूम होता है कि 2 अक्टूबर के बाद जो नया शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। यहां पर आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल फेसबुक पेज है, क्योंकि फेसबुक पर भी बहुत से फेक अकाउंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से बनाए जा चुके हैं, लेकिन जो ऑफिशियल पेज है जो कि पहले से है, बहुत पुराना है, और जो ऑथेंटिक है, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट्स के साथ भी लिंक्ड है, उस पर आप लोग अगर नोटिफाई करें तो यहां पर मेंशन है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन हैज कैंसल्ड द एंट्रेंस एग्जाम फॉर द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ द कंसर्न प्रोविंस इंक्लूडिंग नम्स। यानी नम्स भी इसमें शामिल है, क्योंकि बहुत सी शिकायत आ रही थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को कि नम्स का नाम मेंशन करें, क्या नम्स भी कैंसिल है या नहीं है। तो आपको बता दिया जाए, न्यू डेट ऑफ एमडी कैट विल बी अनाउंस्ड विद इन 2 डेज। ये है आज की खबर, 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो नई डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से जुड़े रहिएगा, उस्मान खान टीवी से जुड़े रहिएगा, तमाम न्यू अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।